morning, beta. Yes. Part number 7. Exercise number 14.2. Sum number first. Part number 7. L plus M whole square minus 4LM. We want to factorize this and use here the identities. है ना? उसी के according हम factors बना रहे हैं अभी. तो क्या किया जाएगा बेटा? कैसे करेंगे हम इसे? क्योंकि इससे पहले जो हमने sum किए थे, yesterday we have done. In that, already we have kept the 3 terms. And according to that, first we have done there. The checking work कि हमने वहां पर क्या किया था, checking work किया था, किसके लिए किया था, identities के लिए. यहाँ already हमारे पास whole square format है, तो पहले हम क्या करेंगे, first of all we are open that, कि इसे open कर दें, whole square को change कर दें इसकी expanded form में, and L plus M whole square we have here, so according to your first one, a plus b whole square that is equal to a square plus 2ab plus b square. So according to the first one, we have to use here, we have to open this whole square format. A square, a value is l and b value is m. Okay? So aapko kya karna hai only? Where you have your A and B, you will replace with them the L and M. L or M से उसे क्या कर दें, आप replace कर दें केवल. So, L square plus 2LM plus M square. हमने आपका जो expanded form था, A plus B whole square के according, उसके according इसे open कर दिया है. और जो इससे नेक्स्ट था टर्म, वो भी हम इसमें सबट्रैक्ट करवा दें. नाउ लुक हियर, प्लस 2LM एंड माइनस 4LM. आपके पास यहां पर ये दोनों ही जो वेरिएबल्स हैं, दे आर सेम विद द पावर, सो वी कैन Do here the subtraction between of them. कर सकते हैं हम इसमें, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये plus है and that is having there the subtraction sign. तो यहाँ पर हमें क्या करना है, subtraction करना है दोनों के between. This one is after subtraction minus 2LM plus M square. अब देखिए जो हमें यहाँ पर इस type का format given में आया था, वो फॉर्मेट जब हमने ये ओपन किया आपका होल स्क्वायर अकॉर्डिंग टू योर फर्स्ट आइडेंटिटी, तो सब्ट्रैक्शन के बाद एट द लास्ट वी हैव देयर द दिस टाइप ऑफ स्टेप कि 3 टर्म्स हमारे पास आ गए हैं एंड अकॉर्डिंग टू द 3 टर्म्स यू विल यूज हियर योर आइडेंटिटीज एंड मेक देयर द फैक्टर्स. कि अब यहाँ पर आप क्या बना सकते हैं, अपने फैक्टर्स बना सकते हैं. कैन यू डू योर सेल्फ From this, आप इसके फैक्टर बना लेंगे ना, केवल आपको स्टार्ट. हाँ क्या नहीं आया बेटा, वहां से बताइए जहां से आपको क्लियर नहीं हुआ. पुलकित कहां से क्लियर नहीं हुआ बेटा? दिस वन, हाँ तो आपने लेट एंट्री की है ना, एक बार वापस से समझ लीजिए, है ना. देखिए L plus M whole square we have here. अब यहाँ हमारे पास फैक्टराइजेशन मेथड, हमें इसके फैक्टर्स बनाना है. अब फैक्टर्स तो हम इसके डायरेक्ट नहीं बना सकते,
क्योंकि हमने कहा है कि अपने फैक्टर्स इन टर्म्स के फैक्टर्स बनाने के लिए हमें वहां पर आइडेंटिटीज यूज करनी है, ठीक है, ये हमने कल भी किया था। अब यहाँ पर यदि वो हम आइडेंटिटीज डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते, इस टाइप से नॉर्मल फॉर्मेशन आपके पास नहीं है, तो भाई कहाँ से लेकर आए? तो वो हमने उसके लिए क्या किया है, फर्स्ट वी विल ओपन देयर द होल स्क्वायर फॉर्मेट, कि ये जो होल स्क्वायर हमें गिवन में आया है इसे आप क्या कर दें, ओपन कर दें। अब ओपन किसके अकॉर्डिंग करेंगे, तो भाई हमने ये सीखा है फर्स्ट आइडेंटिटी कि a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू दिस वन, कि ये होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ओनली हमें यहाँ पर इस a और b को, ये जो a एंड b है यहाँ पर, इन्हें रिप्लेस करना है, किससे रिप्लेस करना है, l और m से। why, क्यों कर रहे हैं हम ऐसा, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द आइडेंटिटी ए प्लस बी होल स्क्वायर, तो यहाँ पर जो ए है वो ए एक्चुअल में आपका यहाँ सम में क्या है, दैट वैल्यू इज एल, और जो आपका बी है यहाँ आइडेंटिटी में जो बी है वो आपके अकॉर्डिंग टू सम क्या है यहाँ पर एम। इसका मतलब क्या हुआ, वेयर वी हैव देयर ए एंड बी, वी आर रिप्लेसिंग विद द एल एंड एम, कि भाई उसे हम किससे रिप्लेस कर देंगे, एल और एम से यहाँ पर, गुड मॉर्निंग बेटा, एल और एम से हम यहाँ पर क्या कर दें, उसे रिप्लेस कर दें, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है पुलकित, ठीक है बेटा, ओके। तो जैसे हमने यहाँ पर इसे रिप्लेस किया तो ये जो ए स्क्वायर है ये क्या हो जाएगा आपका चेंज होकर एल स्क्वायर प्लस टू, टू लिख दिया आपने, ए भी लिखा है तो ए वैल्यू आपका क्या है एल, बी वैल्यू क्या हो गया एम, तो आपने यहाँ पर क्या पुटिंग क्या कर दिया, टू एल एम। अब यहाँ पर क्या करना है, आफ्टर मल्टीप्लीकेशन आपने लिख दिया एल एम प्लस बी स्क्वायर आपको पुट करना है, तो बी वैल्यू आपके पास था एम, सो पुट हियर द एम स्क्वायर, बिकॉज आई वॉन्ट हियर द बी स्क्वायर, पर बी स्क्वायर चाहिए हमें, तो यहाँ पर बी वैल्यू क्या है एम, उसका स्क्वायरिंग करेंगे आप तो क्या हो जाएगा एम स्क्वायर। अब ये जो टर्म है ये ऑलरेडी हमें सम में गिवन आया है, इसे लीव तो नहीं कर सकते हम, वी कांट लीव देम, तो इसे भी हम क्या करेंगे, सम में लिखेंगे, यहाँ पर स्टेप में देंगे, तो हमने यहाँ पर आगे क्या लिख दिया, इन फ्रंट ऑफ दिस माइनस फोर एल एम, ओके। यहाँ तक ये स्टेप कंप्लीट हो गया, ओपन भी कर दिया और जो रिमेनिंग टर्म था वो भी हमने रिटर्न में दे दिया। अब हम क्या करें कि भाई एल स्क्वायर और एम स्क्वायर का तो कोई ऐसा टर्म, अदर टर्म है ही नहीं जहाँ एडिशन और सब्ट्रैक्शन हम पॉसिबल कर सके, तो जो टर्म है वो क्या है आपके पास, टू एल एम माइनस फोर एल एम। तो यहाँ पर ये जो एल एम है ये सेम वेरिएबल है इन द बोथ, और साथ में इनका पावर भी क्या है, सेम है, और जहां पर आपके वेरिएबल्स और पावर सेम होते हैं देन वी कैन डू देयर द एडिशन और द सब्ट्रैक्शन बिटवीन देम, तभी हम पॉसिबल है करना। तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं भाई, तो सब्ट्रैक्शन जब हमने किया, बिकॉज माइनस फोर एल एम इज द ग्रेटर वन, सो वी कैन राइट हियर माइनस टू एल एम, तभी तो हमने यहाँ पर माइनस साइन दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये स्टेप हमें इस तरीके से मिला। अब तो क्लियर है, ओके। अब देखिए, अब इससे आगे हमने ये कहा है कि भाई ये प्रोसेस हमने सिखा दिया आपको फैक्टराइज करने का, इससे पहले आपने सिक्स पार्ट्स किए ना, कल हमने किए थे, एक्सप्लेन भी किए थे, तो मैंने यहाँ पर आपसे ये पूछा केवल कि बेटा जब आपके पास इस टाइप से टर्म्स आ जाए, ओके, तो क्या आप इससे आगे अपने आप से इसे फैक्टराइज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द आइडेंटिटी, कैन यू डू योरसेल्फ नाउ, कर सकते हैं, यस और नो, यस मैम, कर लेंगे, ओके, बस इतना पूछा है, ठीक है, ओके, चलिए अब नेक्स्ट सम करते हैं। फिर हम इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, एट पार्ट, इन दैट वी हैव गिवन द पावर इज 4,
कि वहां पर ए रेस टू द पावर 4 है, बी रेस टू द पावर 4 है, तो भाई अभी तक तो हमने स्क्वायर फॉर्मेट के ही सीखे हैं। अब ये यदि पावर इंक्रीज हो जाए तो उसे हम कैसे करेंगे, ठीक है? तो वो भी हम यहाँ पर आपको मैं ये पूरा कंप्लीट करके बताएंगे। ए रेस टू द पावर 4 प्लस 2a² b² प्लस b रेस टू द पावर 4। वी हैव हियर दिस टाइप ऑफ सम एंड नाउ वी विल मेक हियर द फैक्टर्स। अब इसके मुझे फैक्टर्स बनाने हैं, ठीक है? तो फैक्टर्स बनाने के लिए हम क्या करें भाई, मेथड वही है, सेम मेथड है आपका, कि जैसा हमने इससे पहले वाले में किया है, इससे पहले जो भी हमने सम किए हैं वही सेम फॉर्मेट ही हमें यहाँ पर यूज करना है। फर्स्ट वी विल चेक हियर विच आइडेंटिटी वी वांट टू यूज हियर, ठीक है? कौन सा आइडेंटिटी है जो कि हम यहाँ पर यूज करना चाहते हैं या यूज कर सकते हैं? बिकॉज ऑल द टर्म्स हैव हियर द प्लस साइन। तो भाई आइडेंटिटी तो आप पहचान के बताइए मुझे, विच वन We will use here, कौन सा करें हम यूज यहाँ पर, बोलो, टेल मी बेटा, ऑल द टर्म्स हैव हियर द प्लस साइन। कौन सा ऐसा आइडेंटिटी है आपका जिसमें थ्री टर्म्स जो एक्सपेंडेड फॉर्म है वो प्लस साइन में ही होता है? याद कीजिए, थर्ड और फर्स्ट, फर्स्ट है ना, फर्स्ट करेक्ट बताया है, फर्स्ट है जो आपका। देखिए इन दैट वी हैव देयर, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी आपके पास ए एंड बी है, तो मैं थोड़ा सा इसे डिफर कर देते हैं, है ना, जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो पुटिंग में। एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। देखिए जो एक्सपेंडेड फॉर्म है आपका, वो थ्री जो आपकी टर्म्स वहां पर हमने लिखा है, दे हैव देयर द प्लस साइन, उनमें सभी में क्या है, प्लस साइन है, ठीक है? अब यहाँ आपको क्या पुट करना है, इट मींस वी वांट टू यूज देयर द ओनली द फर्स्ट वन, कि ये फर्स्ट वन हमें यहाँ पर यूज करके बताना है। ओके कैसे यूज किया जाएगा भाई, उसमें तो एक्स स्क्वायर है, यहाँ तो ए रेस टू द पावर 4 आ गया, तो एक्सपोनेंट रूल जो हम अप्लाई करते थे वो थोड़ा सा हम देखते हैं कि क्या कर सकते हैं हम, होल स्क्वायर फॉर्मेट चाहिए ना हमें, तो हमने कहा वी वांट टू पुट हियर द होल स्क्वायर, यही चाहिए हमें फर्स्ट टर्म के लिए, तो होल स्क्वायर हमने पहले से पुट कर दिया। वी हैव देयर ए रेस टू द पावर 4 है, हमारे पास क्या 4 पावर है, तो भाई आपके आउटसाइड ऑफ ब्रैकेट इफ यू हैव देयर द 2 पावर इज 2, तो हम इस वेरिएबल के लिए क्या पावर दें, ए रेस टू द पावर हम क्या पुट करें यहाँ पर, कि जिससे कि जब हम उसे ओपन करना चाहें तो क्या हो हमें, देन वी हैव अगेन द ए रेस टू द पावर 4, कि हमें वापस से वो ए रेस टू द पावर 4 ही मिल जाए। तो क्या किया जाए, यहाँ ए रेस टू द पावर हम क्या दें कि जिससे कि जब हम इसे ओपन करें तो ए रेस टू द पावर 4 मिलेगा, भाई क्या किया जाए जल्दी से बताइए, एक्सपोनेंट रूल आपने किए हुए हैं, लॉस पढ़े थे ना आपने, 7th में किया हुआ था ना, हैं क्या भूल गए हो? चलो एक लॉ हम बताते हैं फिर बताना, ए रेस टू द पावर बी होल पावर इज एम, then we will write here a raised to the power bm, it means power upon power, whenever we have there the powers are multiplied, कि ये powers क्या हो जाती है, multiplied हो जाती है। थोड़ा थोड़ा ध्यान आ रहा हो भाई, ऐसा कुछ पढ़ा था हमने, कुछ आया कि मेमोरी में, कि ऐसा कुछ किया था हमने, लॉ किया था पावर अपॉन पावर का, पावर अपॉन पावर का रूल क्या कहता है, देन पावर्स आर मल्टीप्लाइड देयर, हैं? ठीक है, ये लॉ क्लियर हो गया, कौन सा लॉ बताया मैंने, हैं? अब यहाँ पर बताइए, चलिए तो क्या हम इस लॉ को यहाँ पर हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं ना, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आना चाहिए,
ए स्क्वायर हमें यहाँ पर लिखना चाहिए, देन पावर अपॉन पावर, पावर्स आर मल्टीप्लाइड हियर, देन अगेन वी हैव देयर ए रेज टू द पावर 4, कि मुझे यहाँ पर यदि मैं इस ब्रैकेट को ओपन करूंगी अब तो मुझे वापस से क्या मिल जाएगा, ए रेज टू द पावर 4 मिल जाएगा। ये चीज क्लियर हो गया, ये स्टेप क्लियर हो गया, देन हाउ टू राइट दिस वन, कैसे हमने इसे लिखा है, क्लियर हो गया बेटा सबको? ओके ओके हाँ कैमरा हाँ पुलकित, थोड़ा सा क्योंकि बारिश का मौसम है बेटा तो मे बी पॉसिबल है, ठीक है, कि आपको वहाँ पर थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकता है, थोड़ा सा आउटसाइड आकर आप बैठे रूम में, यदि अंदर की साइड बैठे हैं तो नेटवर्क वीक हो जाता है, तो थोड़ा सा बाहर आ जाइए, है ना, तो बाहर जो होगा वो नेटवर्क सही मिल जाता है। ओके बेटा अब जल्दी से कर लें इसे। प्लस तो हमारे पास फर्स्ट टर्म यहाँ पर आ गया है, एक्स स्क्वायर जो हमें चाहिए था वो हमने यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर अब देखिए केवल चेंज क्या आया है कि ये एक्स स्क्वायर है, ठीक है, तो इस एक्स स्क्वायर के लिए एक्स क्या है, इसकी बेस वैल्यू है, तो यहाँ पर इसकी बेस वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर इसकी बेस वैल्यू क्या होगी ये बताओ, ए स्क्वायर होल स्क्वायर ऑफ दिस, तो यहाँ पर यदि मुझे x वैल्यू चाहिए होगा क्योंकि वहां पर x प्लस y है ना, मुझे वहां पर कहीं ना कहीं रिड्यूस करना होगा लास्ट में, मुझे x y पुट करना होगा ना, ठीक है करना होगा ना, तो मुझे ये बताओ कि यहाँ पर x वैल्यू मैं क्या दूंगी, कि जिस तरीके से मैंने ये फॉर्मेट यहाँ पर लिखा है ए स्क्वायर होल स्क्वायर ऑफ इट, क्या देंगे बेटा जल्दी से बता दो। एक्स वैल्यू 2 देंगे, देखो अकॉर्डिंग टू दिस सम, देखो अभी दोबारा से समझो, बाय चांस मेरे पास ए होल स्क्वायर होता तो एक्स वैल्यू क्या देते आप वहां पर, आप देखो कंफ्यूजन है ना, कंफ्यूजन है ना, तो हमारा ये कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, तभी तो मैंने एकदम से आपसे पूछा कि भाई बच्चे बताएंगे नहीं बताएंगे। देखिए यहाँ हम ये कहते हैं कि जो भी हम रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं यहाँ पर, अब जो भी वर्क करेंगे वो अकॉर्डिंग टू क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इस एक्सपेंडेड फॉर्म के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, क्यों चल रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्यों किया जा रहा है, बिकॉज आई वॉन्ट एट द लास्ट दिस शॉर्ट फॉर्म, कि ये मेरे पास लास्ट में ये शॉर्ट फॉर्म आ जाए भाई, x प्लस वाई होल स्क्वायर आ जाए, ठीक है, अब जब x प्लस वाई होल स्क्वायर हमारे पास लास्ट में आएगा देन इजिली वी कैन राइट देम x प्लस वाई, x प्लस वाई, यही तो इतने टाइम से किया है हमने कि लास्ट में ये फैक्टर्स लिख देते हैं हम, क्योंकि होल स्क्वायर है, टू टाइम्स हम इसे लिख सकते हैं, यही कर रहे हो ना, अब यहाँ पर क्योंकि हम तो क्या कह रहे हैं कि भाई ये तो x प्लस वाई होल स्क्वायर, ये तो आइडेंटिटी लिखा है, लेकिन वैल्यू तो किसके अकॉर्डिंग देना होगा, इस सम के अकॉर्डिंग देना होगा, यही करते हैं ना, इस सम के अकॉर्डिंग देना है, तो इस सम के अकॉर्डिंग अभी हम यहाँ पर जो मैंने यहाँ पर ये फॉर्मेट दिया a रेज़ टू द पावर 4 को कि a स्क्वायर होल स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ पर ये देखो कैसे फॉर्मेट लिखा जाता है, अच्छे से समझ जाओ बेटा, क्योंकि देखो किसी ने नहीं बताया इसका मतलब नहीं समझ में आया, तो कैसे लिखा जाता है वो सीख लीजिए, x होल स्क्वायर हमने दिया, ठीक, यही तो लिखा है, वो x स्क्वायर का मतलब क्या है, x होल स्क्वायर, तो इनसाइड ऑफ ब्रैकेट जो भी यहाँ पर हमने वेरिएबल दिया है, इस वेरिएबल के लिए वो वैल्यू हमारे इसके इनसाइड ऑफ वैल्यू क्या है, ब्रैकेट के इनसाइड वैल्यू क्या है, दैट इज क्या है बेटा, इनसाइड ऑफ दिस ब्रैकेट वैल्यू क्या है, होल स्क्वायर के अंदर वैल्यू हमने क्या लिखा है, इस होल स्क्वायर के अंदर हमने ये वैल्यू क्या लिखा है, ए स्क्वायर है ना,
तो इसका मतलब ये जो x है, ये जो हमने यहाँ पर x लिखा था, ये जो x है वो हमारा x किससे रिप्लेस होगा, a स्क्वायर से। ये चीज क्लियर हुआ क्या, कैसे रिप्लेसिंग किया है ना। अब नेक्स्ट वाला तो आप ही बच्चे बताएंगे मुझे, नेक्स्ट वाला आप ही बच्चे बताएंगे, जल्दी से आप देख लेते हैं। तो हमें नेक्स्ट में क्या लिखना है, पहले इसको मिड टर्म को भी लिख दें हम 2x2। तो हमने यहाँ पर लिख दिया a स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई विद x, भाई x की वैल्यू देनी है। अभी हमने x की वैल्यू क्या कैलकुलेट किया, a स्क्वायर। अभी यहाँ पर हमें क्या देना है, y वैल्यू देनी है। बट y वैल्यू देने से पहले हम क्या लिख दें, y स्क्वायर लिख दें। अब यहाँ पर ये जो थर्ड टर्म है वो क्या है, बी रेस द पावर 4 होल स्क्वायर में चाहिए हमें, जैसे कि हमने यहाँ पर दिया है a रेस द पावर 4 को। तो कैसे लिखेंगे, अब आप बच्चे बताएंगे मुझे, भाई b रेस द पावर 4 है, होल स्क्वायर में देना है, तो कैसे लिखें, जल्दी से बताओ बेटा, होल स्क्वायर में लिखना है, कैसे लिखें, b रेस द पावर 2 होल स्क्वायर ऑफ 8। तो यहाँ पर जब भी आप इसे ओपन करेंगे तो अगेन यू हैव देयर b रेस द पावर 4, कि यहाँ पर आपको वापस से क्या मिल जाएगा, b रेस द पावर 4 मिल जाएगा। समझ गए, ये चीज क्लियर हो गई, इसको कैसे हमने होल स्क्वायर में लिखा है। ओके, अब मुझे यहाँ से बस एक चीज जल्दी से बता दो, आपका सम फिनिश हो जाएगा, कि यहाँ पर ये जो y है, ठीक है, ये जो y है ना, इसकी वैल्यू क्या है, इस y की वैल्यू क्या दे है बेटा, देखो कहाँ यहाँ पर 2 दिखाई दे रहा है आपको, कहीं पर, कहीं यहाँ पर 8 b स्क्वायर। अभी बताया ना आपको, देखो ये जो आपने लिखा है, ये जो आपने लिखा है फॉर्मेट, ये किसके लिए लिया है, किसके लिए दिया था, वहां पर क्या लिखा है, y स्क्वायर। किसके लिए लिखा है ये, y होल स्क्वायर के लिए। किसके लिए लिखा था ये, y होल स्क्वायर के लिए। तो y की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, आप तो देख के बताइए, y की वैल्यू क्या होनी चाहिए, b स्क्वायर क्या होनी चाहिए, बी स्क्वायर। आप इतने बताया था इससे पहले कि क्या वाई की वैल्यू क्या होनी चाहिए यहाँ पर, बी स्क्वायर होनी चाहिए। इससे पहले जो हमने एक्स स्क्वायर लिखा था, वहां एक्स की वैल्यू क्या दी थी, ए स्क्वायर दी थी ना बेटा। फॉर्मेट तो क्या कह रहा है, केवल इतना ध्यान रखो, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना इसमें, दिमाग कहाँ लगाना है बताओ, हमने तो सिर्फ इतना ही तो चेंज किया कि यहाँ पर इसको हमें किस फॉर्मेट में देना था, एक्स होल स्क्वायर में देना था, ठीक है। फिर हमें क्या करना है, एक बार जल्दी से इसे हमें किस फॉर्मेट में देना था, एक्स होल स्क्वायर में देना था, प्लस फिर क्या लिखना है, 2xy लिखना है, प्लस फिर क्या लिखना था, y होल स्क्वायर लिखना था। इतना ही तो किया है हमने, इससे ज्यादा तो किया ही नहीं कुछ भी। तो अब क्या किया है आपने, बस हमने ये कहा a रेस द पावर 4 था, उसे होल स्क्वायर में चेंज किया, हमें 2xy चाहिए था और फिर क्या चाहिए था, y स्क्वायर। तो यहाँ पर हमने b रेस द पावर 4 था, उसे होल स्क्वायर में चेंज कर दिया। तो केवल अब वैल्यूज पूछी जा रही हैं भाई, रिड्यूस करना होगा ना, x प्लस y होल स्क्वायर देना होगा मुझे, तो मुझे कहीं ना कहीं ये x और y की वैल्यूज चाहिए होंगी, लेकिन ये x और y तो लिख नहीं सकते हम, लिखेंगे कहाँ से, इस सम में से जो हमने यहाँ पर चेंजेस किए हैं। तो ये x किसे रिप्रेजेंट करता है, a स्क्वायर को, अब समझ लो, और ये जो y है ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, b स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर y वैल्यू हम क्या दे दें, b स्क्वायर, भाई ये एक्स वाई चाहिए था ना, तो 2 मल्टीप्लाई विद x वो a स्क्वायर हो गया, और y वो क्या हो गया, b स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, अब तो क्लियर हो गया भाई कैसे चेंजेस किए हमने, अब तो गलती नहीं करोगे, ये तो सम आपने किए हुए हैं, केवल हाँ केवल एक छोटा सा चेंज आया ना बेटा, यहाँ पर एक छोटा सा चेंज आया कि भाई होल स्क्वायर के साथ आपके पास स्क्वायर भी है, ऑलरेडी आपका वेरिएबल का भी स्क्वायर है, वही है ना चेंज, ठीक है।
अब जल्दी से ये वाला लास्ट कर ले, फिर आप अपना कंफ्यूजन मुझे पूछना अभी। तो यहाँ पर हम क्या लिख रहे हैं, x प्लस वाई होल स्क्वायर, तो x वैल्यू आपका है a स्क्वायर प्लस y वैल्यू आपके पास है b स्क्वायर एंड वी हैव टू पुट देयर द होल स्क्वायर। इस शॉर्ट फॉर्म में हमने इसे चेंज कर दिया, केवल इतना किया। अब क्योंकि ये होल स्क्वायर है और हमें फैक्टर्स चाहिए, तो भाई वहां पर स्क्वायरिंग ना लिखकर हम इसे क्या कर दें, टू टाइम्स दे दें, ठीक है। तो ये इसके फैक्टर्स बन गए। टाइम इज ओवर नाउ, ओके 10 मिनट्स।